हेलो दोस्तों दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं BSTC सेकंड लिस्ट के बारे में। कब आएगी, कट ऑफ कितनी रहेगी, सीटें कितनी होगी, आएगी सेकंड लिस्ट या नहीं आएगी। तो सबसे पहले अगर आप नए हैं हमारे चैनल पर तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और जुड़े रहिए हमारे साथ BSTC के लेटेस्ट अपडेट्स के साथ। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं BSTC के सेकंड लिस्ट के बारे में। सबसे पहले BSTC में फर्स्ट लिस्ट अलॉट हो चुकी है, सेकंड लिस्ट आएगी या नहीं आएगी तो आपको ये बता देता हूँ कि सेकंड लिस्ट आएगी और ज़रूर आएगी। 99% चांस है सेकंड लिस्ट आने के, तो सेकंड लिस्ट तो ज़रूर आती है हर बार और आएगी ही आएगी। ठीक है, अब बात करते हैं हम आएगी तो कब आएगी। तो जब तक BSTC फर्स्ट राउंड कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक तो नहीं आएगी। तो फर्स्ट राउंड कब कंप्लीट हो रहा है हमारा, फर्स्ट राउंड कंप्लीट रूप से कंप्लीट होगा 20 अगस्त को, यानी सेकंड लिस्ट कब जारी होगी 20 अगस्त को। 20 अगस्त को नहीं हुई तो 21 अगस्त को तो होनी ही है। फिर हम बात करते हैं कट ऑफ कितनी जाएगी, यानी नीचे कितनी गिरेगी कट ऑफ। तो यहाँ पर कट ऑफ लगभग 2 नंबर, यानी 1 से 2 नंबर कट ऑफ और नीचे जाएगी। जो अभी कट ऑफ गई है जिनका सिलेक्शन हुआ है इनसे नीचे 1-2 नंबर जाएगी, अधिकतम 3 नंबर जा सकती है, न्यूनतम 1 नंबर कट ऑफ नीचे गिरेगी। यानी जिनके 3 नंबर तक अगर है और अधिकतम 4 मान लो, लास्ट नहीं जाएगी 4, अधिकतम 1 से 2 नंबर ही जाएगी। कभी कभी 3 नंबर पे भी हो जाता है सिलेक्शन अगर कम है तो भी, तो 3 नंबर तक, 1, 2, 3 लास्ट कह सकते हैं 3, कम से कम 1 और अधिकतम 3 नंबर तक कट ऑफ नीचे गिरेगी हर कैटेगरी की। हर जैसे OBC का बंदा है कोई तो उसका OBC में बॉयज़ है या गर्ल्स है तो उसकी जो कट ऑफ गई है उसके अकॉर्डिंग 1-2 नंबर नीचे गिरेगी कट ऑफ, अधिकतम 3 नंबर गिर सकती है। और फिर बात करते हैं सीटें कितनी होगी। दोस्तों सीटों का बता दूँ, फर्स्ट लिस्ट अलॉट हुई है वो सारी सीटों पे हुई है, जो सीटें बच जाएगी, बचेगी कैसे, किसी के पास TC नहीं होगी तो किसी के पास कोई डॉक्यूमेंट की कमी होगी तो उस स्थिति में कॉलेज उसकी रिपोर्टिंग नहीं करेगा। जो डेट है 14 तारीख तक, उसको वार्निंग दी जाएगी, एप्लीकेशन लिखवाई जाएगी कि जब तक 14 तारीख है उससे पहले पहले अगर वो अपना जो डॉक्यूमेंट बाकी रह गया वो कॉलेज में जमा करवाता है तो राइट टिक होगा, यानी उसका ऑनलाइन पोर्टल पर रिपोर्टिंग कर दी जाएगी। अगर उसने वो डॉक्यूमेंट जमा नहीं करवाया है तो उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और फिर कई बार होता है कि कुछ स्टूडेंट के कुछ प्रॉब्लम हो जाती है या उनको कॉलेज पसंद नहीं आता है तो वहाँ पर नहीं लेना चाहते इसलिए वो छोड़ देंगे, तो जो भी प्रॉब्लम आएगी उस स्थिति में ये सीटें खाली रह जाती है। अब ऐसा नहीं है कि 50 सीटें तो 50 के 50 ही स्टूडेंट रिपोर्टिंग करवाएंगे। कई बार होता है, मान लीजिए मैं हूँ जैसलमेर का और मेरे को मिल गया झालावाड़, तो उस स्थिति में मैं कहूँगा यार छोड़ो इतना दूर मैं नहीं जाऊँगा 2 साल, ये वो, तो कहीं छोटी छोटी प्रॉब्लम होती है, कहीं बड़ी बड़ी प्रॉब्लम होती है, इन सब के बाद वो छोड़ देते हैं BSTC करना। तो कुल मिलाकर यूँ कह सकते हैं कि अधिकतम कितना, जो कितनी सीटें हैं वो खाली रहेगी। तो यहाँ पर अधिकतम जो सीटें बाहर निकल के आएगी वो 10 से 12% सीटें खाली रहेगी। यानी अगर आंकड़े में बात करें तो 2000 के आसपास, यूँ कहें तो 1800 से 2400 के आसपास सीटें खाली बचेगी। फिर ये जो सीटें खाली है, अगर राउंड फिगर बात करें तो हम 2000 सीट कह सकते हैं, तो इन 2000 सीटों के लिए सेकंड लिस्ट आएगी। और सेकंड लिस्ट आने के बाद अगर 2% से अधिक सीटें खाली रहती है तो थर्ड लिस्ट आएगी, वरना थर्ड लिस्ट नहीं आएगी। और न्यूनतम अगर बात करें, ये हमने अधिकतम बात की थी कि अधिकतम 2000 सीट खाली रहेगी, न्यूनतम अगर बात करें तो न्यूनतम हम 5 से 7% सीटें खाली रहने की बात कर सकते हैं, यानी लगभग 800 सीटें तो खाली रहेगी ही रहेगी। तो इसके लिए सेकंड लिस्ट निकलना तो फिक्स है, चाहे 800 रहे, चाहे 1500 रहे, चाहे 2000 रहे, चाहे 2200-2400 रहे, सीटें खाली सेकंड लिस्ट तो आनी फिक्स है। तो इस वीडियो में हमने बात की थी सेकंड लिस्ट के बारे में, कब आएगी, कट ऑफ कितनी जाएगी, सीटें कितनी हैं। जिन स्टूडेंट को सेकंड लिस्ट का वेट है तो उनको ये बता देता हूँ कि सेकंड लिस्ट जब आए तो आपको सेकंड लिस्ट के लिए दोबारा कॉलेज भरने पड़ेंगे, ठीक है ना, दोबारा कॉलेज भरने पड़ेंगे। जो कॉलेज भरे हुए हैं उनमें से आप कुछ डिलीट भी कर सकते हो और आप जोड़ना चाहो तो जोड़ सकते हो। 5 डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने पड़ेंगे, फिर आपको
ऑल राजस्थान पे भी आप चाहो तो टिक कर सकते हो। अब कोई महान अगर अभी भी चाहता है कि ऑल राजस्थान नहीं क्लिक करना है तो उसकी मर्जी है। बाकी अगर आपने फर्स्ट लिस्ट में अगर ये गलती कर दी है तो सेकंड लिस्ट में आपको ये गलती नहीं करनी चाहिए। अगर आप गलती करते हो तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, किसी को भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, फ़र्क सिर्फ आपको पड़ेगा। तो बस दोस्तों यही था इस वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, ताकि जो भी मैसेज है या जो भी बात है उन तक ज़रूर पहुंचे BSTC से रिलेटेड, ताकि वो भी जुड़ पाए इस चैनल से और उनका भी कुछ भला हो जाए तो अच्छा रहेगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं।